सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे आए पधारे। ये ऐप का रिक्वेस्ट जो है पिछले दो सालों से मेरे पास था कि आप आइए, अपना एक ऐप क्रिएट करिए और आपके जो फैंस हैं उनसे और करीबी होने का मौका एक ऐप के ज़रिए होता है ऑफ कोर्स। बट आई फेल्ट कि एक करेक्ट टाइम होता है जब आप एक बिकॉज़ आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से करें। देर इज़ नो पॉइंट कि एक मैं ऐप क्रिएट कर लूँ उसके बाद आई एम नॉट एबल टू यू नो गिव एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट टू माई फैंस। हम जो भी हम सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग लाइक मी एज वेल, हम जो भी होते हैं सब अपने फैंस की वजह से होते हैं। तो अगर ये ऐप मैंने बनाया है तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जाए, वो एक और करीबी तरीके से और पास में आ जाएं और दे गेट टू सी द स्नीक पीक ऑफ माय लाइफ। उर्वशी, हमने देखा है इंडिया में इस तरह से कई सारे एक्टर ने लॉन्च किया लेकिन वो उस तरह से अपने ऐप को मेंटेन नहीं कर पाते, तो इस बात का कुछ प्रेशर है आपको या फिर आप मतलब किस तरह से आपकी ये जिम्मेदारी अब आप संभालने वाली है इसे? जी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आई मीन फैंस के साथ आई थिंक जितना आप रियल होते हैं, रियल द मोर नेचुरल यू आर, आई थिंक दैट्स बेस्ट। अभी इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो आइकॉन दिखेगा तो वो स्पेशली मैंने क्रिएट किया है। आई मीन ब्लैक एंड वाइट आर माई फेवरेट कलर्स। आई केप्ट इट वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। उसमें जो मैंने फोटोग्राफ नहीं डाला है उसमें आई जस्ट केप्ट इट वेरी स्टाइलिश बाई कीपिंग यू एंड आर लाइक यू उर्वशी आर राउटेला विद अ क्राउन ऑन इट। तो दैट इज़ वॉट माई सिग्नेचर इज़ और आई एम रियली हैप्पी विद द वे ये ऐप निकल के आई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी स्टाइलिश लग रही है और जैसे ही आप उस आइकॉन को प्रेस करेंगे उसके बाद जो पूरा नेम आता है तो उसमें एक ब्यूटिफुल तरीके से वी हैव क्रिएटेड दिस गर्ल स्टैंडिंग एंड इन प्लेस ऑफ आई। सो काफ़ी सारे मेरे इनपुट्स हैं ऐप में। आई जस्ट वॉन्ट माई फैंस और सारे के सारे जो भी फैंस हैं वो जो मेरा रियल सेल्फ है वो देखें और मेरी लाइक आई जस्ट वांट टू से दैट वेलकम टू माय पर्सनल वर्ल्ड। फैंस की बात करना चाहूँगा कि फैंस का क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। फैंस का अगर कुछ फीडबैक अगर आप शेयर करना चाहें? या फैंस का फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज वी स्टार्टेड काउंटडाउन 5 दिन पहले, सो वी वर लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक पोस्टिंग ऑन ऑल लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कि अभी 5 दिन के बाद सम सरप्राइज इज गोना कम। तो फैंस वर लाइक रियली क्यूरियस कि आज आखिरकार 5 दिन के बाद क्या होने वाला है। सो फाइनली दे गेट टू नो दैट आई हैव दिस माई ओन ऑफिशियल ऐप एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एज एक्साइटेड एज आई एम। हमने देखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिनको मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड एक खिताब जीतना है तो इतना आसान नहीं होता है। जैसे एक ओलंपिक्स में एक खिलाड़ी अपनी तैयारी के साथ जाता है, उसी तरीके से मिस यूनिवर्स पैजेंट भी उसी के लिए माना जाता है। आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है और एक तरीके से खून पसीने बहाने पड़ते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी। बेसिकली द गर्ल्स हूसोएवर जो भी मेरी इंस्पिरेशंस रही हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा और लाइक दे ऑल हैव बीन ब्यूटी क्वींस और आप उन्हीं को देख करके आप पहचान सकते हैं, लाइक इंक्लूडिंग सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता एज वेल, कि वो कितना ज़्यादा कितनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं बट उनका ऑल ओवर एक ऑरा ही अलग होता है। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये कुछ ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन करनी होती है, इतना आसान नहीं होता है बट इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट। जी 2 साल लग गए मुझे ये सोचने में कि मुझे फाइनली आ जाना चाहिए ऐप में जस्ट फॉर द पर्सनल टच। एक तो मुझे इतने सारे फैंस होते हैं तो पता नहीं रहता है कि मेरा नंबर वन फ़ैन कौन है, तो वो ऐप के थ्रू मैं जान सकती हूँ कि हु इज़ माई नंबर वन फ़ैन। और साथ ही साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट भी होंगे ऐप में कि जो भी नंबर वन फ़ैन बनेगा उसको एक सुनहरा मौका मिलेगा टू पार्टी विद मी और टू ट्रैवल आउटसाइड अब्रॉड एंड लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव अदर मर्चेंडाइज। और सो या आई मीन वो सब स्पेशल चीज़ें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में नहीं मिलती है।
आई थिंक हमको आई थिंक एवरी सेलिब्रिटी एवरी एक्टर शुड हैव देयर ओन ऐप और आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ बिकॉज मेरे फैंस जो भी वो ऐप ज्वाइन करेंगे आई थिंक दे वांट टू सी रियल मी सो या आई मीन जो भी उसमें इनपुट्स डाले हैं या फिर जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट हम डालने मैं डालने वाली हूँ स्पेशली तो वो आई नो दैट माई फैन बेस इज़ लाइक बिट यंगर एंड मेरी उम्र का है और मेरे से यंगर है एंड like 18 to 24 boys especially so though I know like what kind of like you know they really want to see like what kind of lifestyle I have and what all kind of workouts I do what all kind of diets I follow aur jo bhi mere rozmarra ki cheeze hoti hai wo sab wo janna chahte hain so I feel ki main acche se janti hu ki unki kya requirements hain wo kya dekhna chahte hain to usi hisab se ye soch samajh ke banaya gaya hai app एवरी सिंगल थिंग आई लव फैशन आई लव आई एम गोना गिव ऑल माई टिप्स रिलेटेड टू फैशन चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो न्यूट्रिशन रिलेटेड हो एंड एवरी सिंगल थिंग हाँ सॉरी सब कुछ ऐप में आना हो आएगा और मैं खुद ही पोस्ट करूँगी सो Yeah, just log on to my app. तो मतलब मीडिया को भी आप फॉलो करना पड़ेगा आपका मीडिया को भी ऐप फॉलो करना पड़ेगा हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं आई थिंक फेयरनेस क्रीम्स आज ही से नहीं कई सालों पुरानी चीज़ें हैं और जो कब से होती आ रही हैं और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है जो चाहता है यूज़ करना वो कर रहे हैं कभी कितने सालों से और जो नहीं चाहता तो वो नहीं करते हैं या वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो वो भी बाहर से आई हैं बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू हैव टू फाइट योर वे आउट ओके रिसेंटली एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में कंगना का मजाक उड़ाया गया नेपोटिज्म को लेके वो कितना जस्टिफाई समझती हैं About Kangna? Yes. At IFA? Yes, yes. And you were there? No, I was not there. So, मुझे actually पता नहीं क्या मजाक उड़ाया गया like. Nepotism को आई थिंक वो गलत बात है ऐसे बट आई थिंक वो मजाक सीरियस नहीं होता है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड हर कोई अपने इट्स जस्ट फॉर लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट जी हाँ आ रहे हैं बट मैं अभी बात नहीं कर सकती किस तरह का होगा आप हमें लास्ट क्वेश्चन हम रोमांस करते हुए देखेंगे या एक्शन क्योंकि आपके साथ बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं किस अंदाज में हम उर्वशी जी को देखेंगे आप मुझे सभी अंदाज में देखेंगे स्क्रीन पे हेट स्टोरी 4 के बारे में आप डायरेक्टर्स से ही पूछिए फिल्म मेकर से अच्छा उर्वशी जी क्योंकि एक आखिरी सवाल आई थिंक क्योंकि आप मिस इंडिया से आती हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी बायोपिक बन रही है तो अगर आपको कहा जाए कि सुष्मिता एंड ऐश्वर्या जी की ऐसी कोई बायोपिक करने की आप ऐसी आपकी तरफ से कोई ऐसी इच्छा रखती हैं कि उनकी बायोपिक ओ ब्यूटी क्वीन पे बायोपिक ऑफ कोर्स आई मीन बट आई डोंट थिंक सो जो सुष और ऐश हैं वो लाइक सुष्मिता मैम और ऐश्वर्या मैम वो खुद चाहते होंगे कि उनकी अभी इस पॉइंट पे बायोपिक बने आई डोंट थिंक सो वो अभी चाहती होंगी मे बी लेटर इन लाइफ दे वुड वॉन्ट कि उनकी एक बायोपिक बने बट आई थिंक इट्स टू अर्ली अभी तो यंग है ठीक है थैंक यू